रहने दीजिए वैद्य जी, ये घाव भी अपने आप ही भर जाएगा वैद्य जी। राणा जी, अगर इन्होंने अपने घाव पर औषधि का लेप नहीं लगाया, घाव भरने के बजाय और खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं वैद्य जी, आपको इनसे विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले ही बहुत युद्ध लड़ चुके हैं, इन्हें विश्राम की आवश्यकता है, बल्कि हमें लगता है कि यहाँ सभी को विश्राम की आवश्यकता है। ये बात सब भली भांति जानते हैं कि यहाँ उपचार केंद्र में यदि कोई भी वैद्य जी की बात नहीं मानता तो हम उन्हें जबरन ही विश्राम करने का आदेश दे देते हैं। नहीं नहीं वैद्य जी, कीजिए, आपको जो कुछ भी करना है। टोडा जी, हम आपकी मनोस्थिति को समझ सकते हैं, किंतु आप अभी की ना सोचें, आगे की सोचें। हम भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले कल के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना गला फाड़ फाड़ कर क्यों कहते रहते हैं कि अपनी मातृभूमि, अपना देश, अपनी धरती, अपनी धरा के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। क्यों क्यों कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें खुशहाली चाहिए? क्यों? कोई भी विदेशी, कोई भी देशद्रोही हमारे धरती पर अपने अपवित्र पांव ना रखे। हमारे वीर योद्धाओं, हमारे साथियों, हमारे सैनिकों, अब यदि हमें एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी है तो स्वतंत्रता केवल वहां तक सीमित नहीं रह जाती कि हमें कहीं भी कोई मुगल ध्वज दिखाई ना दे। नहीं, स्वतंत्रता वो होती है, उसका असली अर्थ वो होता है कि हमें कहीं भी कोई दुख दिखाई ना दे, कोई पीड़ित दिखाई ना दे। चारों ओर बस खुशी का वातावरण हो, अमन हो, शांति हो, प्रेम। हमने अभी जिस सपने की बात की वो केवल अभी एक स्वप्न ही है, ये वो संभावना है उस भविष्य की जिसके लिए हम अपना आज, अपना वर्तमान हंसते हंसते न्यौछावर करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। क्योंकि हमें विश्वास है कि यदि यही हमारी सोच रही, यही हमारी दृष्टिकोण रही, तो राजपूताने का भविष्य अवश्य हिंदुस्तान का भविष्य होगा। राणा जी, और चेतक वहां जाना, सब कुछ छोड़ के यूं जान बचा के जंगल जाना अच्छा नहीं लग रहा महारानी साहब। सब कुछ कहाँ छोड़ के जा रही है आप माँ जी? ये बच्चे भविष्य है मेवाड़ का, वे है ना आपके साथ। हम जंगल नहीं जाना चाहते, हम आपके और बाकी स्त्रियों के साथ यहाँ रहकर लड़ना चाहते हैं महारानी साहब। ये तो मेवाड़ नरेश की राजाज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, क्या आप चाहेंगे ऐसा करना? अरे आप रुकिए मत, जल्दी जल्दी चलिए। काका, ये विराज, आप इसका ध्यान रखिए। नहीं नहीं, आप लड़ने के लिए हमारे साथ यहाँ नहीं रुक सकती है। ये बच्चे मेवाड़ का भविष्य है, तो हम उसे जंगल भेज रहे हैं ना, पर उस भविष्य को बचाने के लिए आप अकेले इतना रक्त बहाए, ये तो संभव नहीं है ना महारानी साहब। मेवाड़ का भविष्य केवल राज परिवार और सैनिकों के रक्त के द्वारा नहीं, साधारण नागरिकों के रक्त के द्वारा भी सींचा जाएगा। महारानी साहब, नगर में समाचार फैल रहा है कि राणा जी हल्दीघाटी का युद्ध हार चुके हैं। उल्का, हमें अभी समाचार मिला है कि कुंवर प्रताप के कोई भी विश्वस्त सेनापति जीवित नहीं। टोडा जी, चाला जी, यहाँ तक कि आचार्य राघवेंद्र जी भी। उल्का, आपको मुगलों से लड़ने का विचार छोड़ देना चाहिए। सब लोगों के साथ साथ आप भी जंगल में चले जाइए। किसी भी समय मुगल सिपाही इस दुर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं दादी साहब,
हम यही रुकेंगे और अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे आप मुगलों से। ये जो सभी समाचार बोले जा रहे हैं वे सब झूठ है। और हमारे दादीराज हार गए ये तो हम कभी मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि धारणा तो हमारे दादीराज को आता ही नहीं है, कभी नहीं आ रहा है वे। हमारा तो यह कहना है ये जो सारी अफवाह फैलाई जा रही है इन सभी अफवाहों को हमें अपने मन से हटाकर हमारे दुर्ग की सुरक्षा की तैयारियां करनी चाहिए। अमर सिंह जी आप बच्चे हैं, आप दुर्ग की सुरक्षा नहीं कर सकते। हम बच्चे तो क्या हुआ, हम भी सच्चे देश प्रेम का जोश रखते हैं। हाँ छोटी माँ, बच्चे मन के सच्चे होते, अनायास ही सच्ची सच्ची बातें बिना किसी भय के कह जाते। और फिर हमारे सुरक्षा सैनिक भी तो है यहाँ हमारे दुर्ग और राजमहल की रक्षा करने के, और इसीलिए हम भी यहाँ रुकेंगे और अपनी अंतिम सांस तक मुगलों के साथ लड़ेंगे। हम भी लड़ेंगे। हाँ, हम भी लड़ेंगे। हाँ, हम भी लड़ेंगे। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। जय मेवाड़। जय मेवाड़। ठहरो। जब आपने स्वयं हमारे युद्ध जीतने के सामर्थ्य पर विश्वास करके हमें अपनी सेना का प्रमुख सेनापति बना दिया था, तो फिर युद्ध के बीच में क्यों बिना हमें बताए, बिना हमें विश्वास में लिए आपने अपनी ऐसी ऐसी रणनीतियों का समावेश किया? क्योंकि हम जानते हैं ना तो हमें ऐसा प्रश्न पूछने का अधिकार है और ना ही हमसे ऐसा आचरण अपेक्षित है। किंतु शहनशाह हमें बिना किसी अपराध के, बिना किसी असफलता के हमें हमारी दृष्टि में आज लज्जित कर दिया है। शहनशाह हमने आपको वचन दिया था ना कि हम आपको ये युद्ध जीत कर दिखलाएंगे, किंतु आपने युद्ध समाप्त होने से पूर्व हमारे बीच तय हुआ इस करारनामे को क्यों तोड़ दिया? शत्रुओं के लाखों तीर इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाते जितनी पीड़ा आज हमारे युद्ध क्षेत्र में हमारे आचरण को लेकर प्रताप के छोड़े व्यंग बाणों और आक्षेपों ने पहुंचाई। मान सिंह जी, दुश्मन के बेसर और पैर की बातों पर विश्वास करके अपनों पर शक करना अच्छी बात नहीं। बेअदबी का हद मसला तो क्या है, पुराने जंग में क्या उठाया जाए आपके साथ? दोस्त हैं आप हमारे, और वैसे भी प्रताप को ये जंग उसूलों वाली बातें रेब नहीं देती, और वो भी तब जब इतने ही बेदर्दी और बेअदबी के साथ आपके अब्बा हुजूर का कत्ल करने के बाद। क्या? हाँ मान सिंह जी, बड़ी हैवानियत के साथ प्रताप ने भगवान दास जी का कत्ल किया है। हाँ मान सिंह जी, हाँ, उदयपुर से मैदान जंग की ओर बढ़ रहे थे तब हुआ था ये खौफनाक हादसा। हादसा क्या, गुनाह अजीम मानते हैं हम इसे। कत्ल करने के बाद जंगल में सड़ने के लिए लाश उनकी फेंक दी गई। प्रताप ऐसा घिनौना कृत्य कर ही नहीं सकता। मान सिंह जी, हम जब भी कोई बात कहते हैं तो पूरे इत्मीनान के बाद और पूरे एतबाद के साथ कहते हैं। इस अंगूठी से शिनाख्त हो पाई हमकी, अपने अब्बा हुजूर की इस निशानी को तो पहचानते हैं ना। देखिए, गौर से देखिए इसे। फकत यही सरमाया बचा है पूरे बदन से उनके, और आप कहते हैं कि प्रताप उसूलों की बात करता है। क्या ये होते हैं राजपूती उसूल? मान सिंह जी, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि अपने आंसू को पीकर मैदान जंग में जाके दुश्मन को नेस्त नाबूद करने का है। क्या बात है राजे, कैसा मार चेतक? इसे विश्राम की आवश्यकता है राणा जी, जिसके लिए हम इसे नींद की औषधि देने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह औषधि ले ही नहीं रहा। राजे, जब तक हम जीत के मैदान में लड़ेंगे यह हमारे साथ लड़ेगा, जब तक हम विश्राम नहीं करेंगे यह विश्राम नहीं करेगा, जब तक हम नहीं सोएंगे चेतक नहीं सोएगा।
क्योंकि ये हमारा वीर चेतक है। पराना जी, हमें तो डर है कि इसके घाव को देखकर वे बार बार इसके घाव पर हमला न करने लग जाए। इसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है। कैसा का इकबाल? बुलंद, कल तुम्हें मैदान जंग में मान सिंह के साथ उनकी हिफाजती ढाल बन के जाना है। वैसे तुमने प्रताप की सबसे बेशकीमती नेमत उसकी बेगम अजदे को मार डाला, जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। तो जाहिर सी बात है, तुम्हें अपने सामने मैदान जंग में देख के वो गुस्से से पागल हो जाएगा और फिर सब कुछ भूल के, यहां तक कि मान सिंह तक को भूल के, वो सिर्फ तुमसे अजदे की मौत का बदला लेने में जुट जाएगा। इससे मैदान जंग में उसका जहनी तवाज़ुन कुछ देर के लिए जंग फतेह करने से हट के अपना जाती बदला लेने में लग जाएगा। बस इसी बात का फायदा उठाकर जब तक वो तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, उसी वक्त मान सिंह उसकी बची खुची फौज को खात्मा करके जंग फतेह करने में लग जाएगा और कामयाब हो जाएगा। चेतक, हमारे अजदे को मारने वाले हथियारे उस उपहार हाथी के रूप में उसमें छिप कर आए थे। अब यदि मुगल उस उपहार हाथी में हथियारों को छिपाकर हमें मारने के लिए भेज सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके इन गहरे घावों को छिपाने के लिए इस हाथी के सूंड वाले मुखौटे से अच्छा और क्या होगा। उसे शख्स में अपराध के लिए एक ऐसा दंड देंगे कि उसकी आत्मा की आत्मा उठेगी। देंगे ना तुम्हारा साथ, हमारा साथ। मामा, ये तो वही संदेश वहां के ना उदयपुर जा रहा था हल्दी घाटी का समाचार लेके। हाँ भांजे, आपने एक बार आदेश जो दिया कि प्रताप का कोई भी संदेश वाहक उदयपुर के राजमहलों तक पहुंचना नहीं चाहिए, तो बस मार दिया सबको। सबको मतलब? हल्दी घाटी से लेकर उदयपुर के राजमहलों तक जो भी संदेश लेकर गया उन सबको मार दिया हमने। आज दिन भर कोई संदेश वाहक नहीं आया हल्दी घाटी से। कोई आया नहीं या किसी को आने नहीं दिया गया? मतलब कोई है अदृश्य शक्ति या समूह जो हमारे संदेश वाहकों को उदयपुर में आने से रोक रहा है। हो सकता है इसके पीछे मुगल सेना का हाथ हो, या फिर ये भी हो सकता है मुगल सेना हम पर आक्रमण करने की योजना बना रही हो चुकी। तो फिर क्या बोलते हैं? आक्रमण कर देगा उदयपुर पे? हाँ भांजे, सुबह सूर्योदय होते ही। और वैसे भी हमारे भेजे हुए मुगल सैनिकों ने अब तक ये अफवाह तो पूरे राजमहल और नगर में फैला ही दी होगी कि प्रताप हल्दी घाटी हार चुका है और उदयपुर की पराजय हो चुकी है। और ये समाचार सुन के अब कोई बचा नहीं होगा वहां पे उनकी सुरक्षा करने के लिए। सब तो पहले से ही डर के भाग चुके होंगे। तो फिर तय रहा, कल सूर्योदय होते ही हम आक्रमण करेंगे उदयपुर पे। और भांजे, दोपहर तक तो आप राज सिंहासन पर बैठ चुके होंगे राणा जी। खम्मा घड़ी महारानी सा, मैं भी रसोई के लिए कुछ आवश्यक सामान लेने महल से बाहर गई तो अचानक ही मैंने देखा कि मुगल सैनिक छिपकर बैठे हुए हैं। इसका अर्थ तो ये निकला कि हमारा संदेह सत्य निकला। मुगल करने वाले कल तक हम पर आक्रमण, हमें सर्वप्रथम ये संदेश चक्रपाणी को भेजना होगा। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी से सामना करना होगा मुगलों का। तुरंत ही मिर्ची चूर्ण और गरम तिल का कड़ा तैयार करवाओ और बहुत सारे पत्थर और गुल्ले ले भी। जी अमर सिंह जी, और साथ में जल्दी लकड़ियां भी तैयार करवाई जाए। हाँ मान, और आज हम सबको बता देंगे कि किसको क्या क्या करना होगा। इस समय हमारे दुर्ग में जितने भी सुरक्षा सैनिक हैं
हम उन्हें जाके सचेत कर देते हैं और चक्रपाणी काका को भी जाके ये समाचार दे देते हैं। इस समय आ गया अपने आप को सिद्ध करने का। नहीं नहीं अमर सिंह जी, आपको हमारे साथ रहना होगा। यदि आप चले गए तो हम सब लोग डर जाएंगे ना, और फिर हमें कौन संभालेगा? छोटी माँ, हमारे रहते आपको डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। आप जाइए और चक्रपाणी काका को सचेत कर दीजिए। छोटी माँ, जब तक दाजीराज हल्दी घाटी के युद्ध से विजय होकर वापस नहीं लौटते तब तक हम उदयपुर को मुगलों के हाथे नहीं जाने देंगे। हम जानते हैं अमर सिंह जी, आपके रहते हुए उदयपुर का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं होगा आपको, आपको उपचार की आवश्यकता, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए आप बिल्कुल। किसी भी वीर के सर्वोत्तम बलिदान के लिए सबसे उत्तम श्रद्धांजलि होती है विजय। जिस मातृभूमि के लिए, जिस मेवाड़ के भविष्य के लिए, जिस मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए हमारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, यदि उस मातृभूमि को, उस मेवाड़ को हम स्वतंत्र रखने में सफल हुए तो हमारे वीरों के लिए इससे उत्तम श्रद्धांजलि और की हो नहीं सकती। नहीं आचार्य जी, नहीं। हम में से अधिक बहुत बुरे रूप से घायल हैं। सभी को विश्राम की आवश्यकता है, उपचार की आवश्यकता है। ऐसे रूप में हम युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? ये एक आत्मघाती अभियान होगा। नहीं, किसे किसे आवश्यकता है विश्राम की? नहीं चाहिए किसी को भी आराम आचार्य जी। चाहिए किसी को? हमें नहीं चाहिए विश्राम। देखिए राणा जी, किसी को भी विश्राम की आवश्यकता नहीं है। सभी युद्ध लड़ने के लिए तत्पर है। तो फिर ठीक है, ठीक है, तैयार हो जाइए, जाइए एक महा और हा और निर्णायक युद्ध के लिए। कल का दिन, हल्दी घाटी के युद्ध का अंतिम दिन होगा। कल अंतिम सांस लेगा प्रताप। जीवित नहीं रहेगा कल के बाद वो, सांस लेना भोगना पड़ेगा उसे अपने कर्मों का फल। काजी खान, कल तुम दाई ओर से अपनी सेना के साथ प्रताप पर आक्रमण करा, और वसीम खान तो बाई ओर से अपनी सेना के साथ मोर्चा संभालो, और बीच से मैं प्रताप पर आक्रमण करूंगा। कल युद्ध आरंभ होते ही हम तीनों दिशाओं से प्रताप पर निर्णायक धावा बोलेंगे। इंशाल्लाह कल आखिरी ही दिन होगा। कल हम मुगलों को मारेंगे या फिर वीर गति प्राप्त करेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.